वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन की ऐप स्टोर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो हमारे आज के वीडियो हैं आपके लिए। बहुत कोशिश करने की बाद भी आपके आईफोन की स्क्रीन पे ऐप स्टोर के नॉट कनेक्ट जैसे लिखा दिखाई देते रहते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको देखना है हमारे आज के वीडियो आखिरी तक। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए आज हम आपको 6 सलूशन दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपके फ़ोन के इंटरनेट काम कर रहा है। यहाँ पे आप किसी भी वीडियो पे टैप करेंगे तो देख सकेंगे कि वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है। इसका मतलब आपके फ़ोन के इंटरनेट काम कर रहा है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के वाईफाई सिग्नल पुअर हैं तो आपको वाईफाई डेटा से उसे एक बार सेलुलर डेटा पे स्विच करना है। आमतौर पे इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपको दूसरा मेथड फॉलो करना है। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको टैप करना है जनरल पे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पे टैप करेंगे। यहाँ पे आपको रीसेट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको टैप करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे। यहाँ पे आप पिन कोड कन्फर्म करें। अब आपको रीसेट कन्फर्म करना है। तो दोस्तों, नेटवर्क रीसेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन को फिर से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम की तीसरे सलूशन के लिए आपको फिर से जाना है सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको जनरल पे टैप करना है। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम पे टैप करना है और यहाँ पे जो आप ऑप्शन दिख रहा है सेट ऑटोमेटिकली, आपको इसे टर्न ऑन करना है। इस ऑप्शन को टर्न ऑन इसीलिए करना पड़ता है कि कहीं बार अगर आपके फ़ोन के डेट एंड टाइम ठीक नहीं होते हैं तो आपके फ़ोन के इंटरनेट काम नहीं करते हैं। इसके लिए आपको डेट एंड टाइम को फिर से एक बार सेट कर लेना है और आपको यहां से निकल जाना है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम की चौथे सलूशन के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे। यहाँ पर आपको जाना है जनरल पे और आपको यहाँ पे टैप करना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे। अगर आपके फ़ोन पे कोई अवेलेबल सॉफ्टवेयर अपडेट हैं तो आप उसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर ले। तो अगर दोस्तों आपके फ़ोन पे कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। दोस्तों, अब हम आपको इस प्रॉब्लम की पांचवा सलूशन बताएंगे। इसके लिए आपको जो करना है, आपके फ़ोन के ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे आपको चेक करना है एप्पल की सर्वर स्टेटस। अब आपको यहाँ पे ऊपर के जो लिंक है उसे टैप करना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल सर्विसेज आर ऑपरेटिंग नॉर्मली, पर आपको एग्जैक्टली जानना है कि एप्पल स्टोर पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन पे टैप करना है और यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हैं कि ऐप स्टोर अवेलेबल है। इसका मतलब सर्वर पे इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐप स्टोर पे कोई प्रॉब्लम होंगे तो यहाँ पे आपको नॉट अवेलेबल लिखा दिखाई देंगे, तो आपको सर्वर नॉर्मल होने तक वेट करना है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम की छठा और आखिरी सलूशन है कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे अपने एप्पल आईडी पे टैप करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और साइन आउट करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने एप्पल आईडी से साइन आउट करने के बाद आपके फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। और उसके बाद फिर से अपने एप्पल आईडी पे लॉगिन करना है। तो दोस्तों, अब आपको ऐप स्टोर पे जाके चेक करना है कि आपके ऐप स्टोर कनेक्ट होते हैं कि नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ऐप स्टोर कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे इन सारे सलूशन को फॉलो करेंगे, इनमें से कोई ना कोई सलूशन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।